What is up, guys? How you all doing? This is Saurabh, and I welcome you to the motorbike vlogs. Now, just imagine the kind of power this engine is sending to the rear wheel, and that all through the drive chain. So, what are the benefits of maintaining your motorcycle's chain? अगर ये chain अच्छे से clean और lubricated होती है, so there is less friction on the moving parts. Okay, there is less wear and tear. आपकी चेन की नॉइज रिड्यूस हो जाती है, गियर शिफ्ट बेटर हो जाता है और अच्छे से इंजन की पावर डिलीवरी होती है रियर व्हील को. इट इज एडवाइजेबल दैट यू क्लीन योर बाइक्स चेन एवरी 500 टू 750 किलोमीटर्स. इन नो वे दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो और अ ट्यूटोरियल. आई एम ओनली गोइंग टू शो यू द मेथड व्हिच आई यूज टू मेंटेन माय बाइक्स चेन एंड सम डूज एंड डोंट्स एंड द प्रिकॉशंस वन मस्ट फॉलो व्हाइल क्लीनिंग द चेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दीज आर द थिंग्स यू नीड. You need a cleaning brush. I picked it up from Amazon for about 100-125 rupees or so. Today I'm using a Motul C1 chain cleaner. This is the chain cleaner. The chain lube is called C2. ये भी मैंने Amazon से लिया था and I paid about 650 rupees for these two items. और आप एक कोई cloth लेना जिससे आप chain को wipe कर सकेंगे बाद में. And it's going to be wise you take some old newspaper नीचे spread करने को ताकि आपका floor dirty ना हो. अभी मेरी bike की chain कुछ ऐसी दिख रही है. It's quite dry और काफी dust और grime है इस पे. मैं थोड़ा newspaper बिछा देता हूँ floor पे. अच्छा, जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि पहले आप अपनी बाइक को वॉश कर लेना, उसके बाद ही चेन क्लीन और लूप करना. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपनी चेन क्लीन कर रहे हैं तो एक स्टेशनरी बाइक पे करना, इंजन ऑन करके मत करना. सुपरमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज द रिजल्ट कुड बी रियली फेटल. ऑलराइट, कि मैंने अपना चेन क्लीनर ले लिया है. शेक इट वेल बिफोर यूज. नाउ बिफोर यू गेट स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फाइंड द चेन लिंक. लिंक इज हियर. इसको मैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज करूंगा एंड आई एम रोटेटिंग द व्हील क्लॉकवाइज. मेक श्योर आप दो तीन राउंड दे देना इसके. नाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑन द आउटसाइड पार्ट, सम ऑन द चेन स्प्रॉकेट. नाउ द इनसाइड पार्ट ऑफ द चेन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीनर लगाने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं फॉर अबाउट 5 मिनट्स और सो. अब काफ़ी लोग मोटूल की बजाय कुछ और डिटर्जेंट्स या फिर लिक्विड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे WD-40, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल. इसके बारे में मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं इंटरनेट पर कि वो आपके ओरिंग्स को ना बहुत जल्दी डिटीरोट कर देते हैं, वो ईटअप होना शुरू हो जाते हैं. आई रादर बाय अ डेडिकेटेड क्लीनर. आई हैव लेट इट सिट फॉर अबाउट 5 मिनट्स. मैंने इसको छोड़ दिया था वो क्लीनर लगाने के बाद. अब मैं ये ब्रश लेके इस चेन को क्लीन करता हूँ. और ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी बाइक का व्हील लेफ्ट टू राइट स्पिन करें, क्लॉकवाइज स्पिन करें, बिकॉज आप इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने लग गए तो ये देखो ये ब्रश कहाँ जा रही है, ये आपके स्प्रॉकेट और चेन में यहाँ पर फंस जाएगी. ये मैंने बाहर की तरफ से क्लीन कर दी. अब इस ब्रश को मैं पीछे की साइड से रख के दोबारा व्हील को स्पिन करूंगा एंड आई विल रोटेट द व्हील फॉर अबाउट 6 to 10 टाइम्स ताकि थोरली चेन क्लीन हो जाए. नाउ फ्रॉम हियर Now look at this chain. Now you can use a piece of cloth, chain को ऐसे grip करके आप wheel को फिर spin कर दीजिए ताकि ये आपकी chain अच्छे से clean हो जाए और excessive cleaner जो chain पे लगा था वो हट जाए. Please be very careful guys whenever you're doing this, okay? You don't want your hand to be caught between the chain or the sprocket. सो दैट इज़ द रीज़न मैं अपने व्हील को लेफ्ट से राइट को स्पिन कर रहा हूँ. अगर गलती से आपने अपना व्हील राइट टू लेफ्ट स्पिन कर दिया ना या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो आपका यहाँ पर थंब आ सकता है
and which could be fatal. All right. So these are the few things which you got to keep in mind. Look at this. आपने पहले भी देखा था बाइक का चेन और अब देखिए. If you want, आप दोबारा से इस पे क्लीनर लगा सकते हैं एंड जस्ट गिव इट अनदर क्विक वाइप. So now this is done. अब इसको लूप करने की बारी है. But before that, what I'm going to do, I'm gonna grab some more newspaper. थोड़ा और newspaper लेके ना उसको ऐसे यहाँ पे लगा दूँगा ताकि मेरा लूप व्हील के ऊपर ना जाए और उसको गंदा ना करे. Now again, I'm going to take this link as a starting point और उसके बाद मैं अपना लूप लगाना शुरू करूँगा. Now, in the center of the chain, ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए. और अब इनर एज से बाहर की तरफ, ओके, लाइक दिस. चेन को ज़्यादा भी नहीं लूप करना बिकॉज ज़्यादा लुब्रिकेशन से उतना ही डस्ट वगैरह अट्रैक्ट करेगी. सो यू डोंट वांट दैट. सो नाउ आई हैव क्लीन्ड द चेन एंड लुब्रिकेटेड इट. मेक श्योर आपने यहाँ से सब चीज़ें हटा लियो, अपने ब्रश वगैरह, क्लॉथ वगैरह सब हटा लियो. ओनली आफ्टर दैट यू मे गो हैड स्विच ऑन योर बाइक. आई एम गोना पुट इट इन फर्स्ट गियर. इससे अच्छे से लुब्रिकेशन इवनली स्प्रेड हो जाएगी चेन पे और इसके स्प्रॉकेट पे भी. डू नॉट टच द चेन और द व्हील और पुट वेट ऑन योर बाइक राइट नाउ. नो, अ बिग नो. So this is how I maintain my motorcycle's chain. I hope you found the video useful. If you like the content, do hit that thumbs up, subscribe to the channel. It'll mean so much to me. I'm gonna see you soon with another vlog. Till then, you guys take care. Ride hard, ride safe. Cheers.